तो आप कह सकते हो ये जी हमारा सुसुब्रे। क्या मक्खन आए हुए हैं। पोर्शे 718 बॉक्सटर, ये वो पैसा है जो शोर मचाता है। तंदूरी चाय, मेरी लाइफ की पहली एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ सेल्फी ली भाई। नन्नू सिंह लो भी मित्रों, मॉर्निंग हो गया जी, वेरी वेरी गुड। या आज हम जा रहे हैं जी नोएडा किसी काम से, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मेरे को नहीं नन्नू को बता नहीं सकते, बस बताएंगे आपको जब होगा, जब टाइम होगा ना, जब टाइम आएगा तब बताएंगे। नन्नू बिठाना है किसी को गड्डी कर दी खड़ी, तो बस ते चलिए और सुना। सो गाइस टाइम हो चुका है 7:44 तकरीबन एक घंटा हो गया घर से हमें निकले हुए। एक घंटे बाद दिया है जी पहला ब्रेक, करनाल से पहले हम मन्नत हवेली वहां रुके हैं क्योंकि नन्नू भाई को अपने को लग गया था सुसु, तो आप कह सकते हो ये है जी हमारा सुसु ब्रेक। मैं नहीं गया, मैं तो गाड़ी में वेट कर रहा हूँ उसका, वो आएगा फिर यहाँ से निकलते हैं। बेसिकली आज नोएडा जा रहे हैं, नोएडा फर्स्ट टाइम होगा मेरा, मैं नोएडा से पहले कभी भी नहीं गया। नोएडा थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, नोएडा के भी देखेंगे भी नोएडा कैसा, बहुत सुना है नोएडा के बारे में भी, नोएडा ये है वो है, होगा तो ट्रैफिक ही, क्या ही होगा नोएडा में। ये आ गया जी, कार आया पक्की गल है, हम दिल्ली तो पहला था ना ब्रेक मारा, रोटी चल ठीक है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੇਤੀ ਕੋਲ ਪਤਾ ਫਿਸ਼ ਮਸਾਜ ਕਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ गाइस, नाश्ता हो गया डन, मन्नत हवेली में रुके थे मूर्थल, दो दो खाए परांठे, नन्नू ने तो एक ही खाया, एक करवा लिया था पैक। चाय अच्छी नहीं थी यार, चाय कहीं आगे चल के दोबारा पियेंगे। नन्नू कितना टाइम लगना और इतना, अपन 2 घंटे का रास्ता हो रहा है आगे नोएडा का, फिर उसके बाद काम करके फिर सीधा वापसी, घूमने नहीं जाएंगे कहीं भी, आए फिर सीधा घर वापस आ जाएंगे। सड़का सुड़का नहीं बन दिया इन्होंने, बस का है नहीं कुछ, मैं देख लिया 2 किलोमीटर आया आप, केड़ा हाईवे है ननू, है ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल ईपीएस हां, वो पानी मार दो उत्ते गली दे। सो गाइस तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया खाना खा के निकले हुए, ननू केड़ा हाईवे है ननू बताएगा, मेरे से तो नाम लिया ही नहीं जा रहा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, कम से कम आधे घंटे से चल रहे हैं इस हाईवे पे, इतना ज्यादा बढ़िया हाईवे है ना भाई, मक्खन एकदम मक्खन, मतलब कि 100-120 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, मैक्सिमम तो वैसे 120 की स्पीड है, हम 90-100 की स्पीड पे चल रहे हैं पिछले आधे घंटे से, बहुत ज्यादा बढ़िया है यार। ऐसे बोलते हैं इंडिया में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है भाई इंडिया में भी देखने के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस हाईवे पे, नन्नू तो आता जाता रहता है, नन्नू बताएगा बाकी, नन्नू दस भाई कैसा हाईवे है। और हमने तकरीबन 70 किलोमीटर ऐसे ही जाना स्ट्रेट इसी हाईवे पे, एक घंटे में हो जाएगा कवर है ना 70 किलोमीटर, एक घंटे में तो बड़े आराम से हो जाएगा कवर यार 70 किलोमीटर, ऐसा हाईवे हो तो नन्नू मेरे हाथ खोल दे, आधे घंटे में भी कर दूंगा मैं तो नन्नू बोल रहा था नहीं आराम से जाने थे कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी इसी वजह से 90-100 की स्पीड पे चल रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद लिया था जी यहाँ रेस्ट नहीं, वैसे 10-15 मिनट रुके थे, नन्नू ने ना थोड़ी कमर सुधी करनी थी तो इस वजह से रुके थे। कितना रह गया नन्नू भाई यहाँ से, 50 मिनट का रास्ता और है भाई। क्या मक्खन हाईवे है,
क्या मक्खन हाईवे है भाई, मैन गाड़ी जाती है सू सू करके, देखो जा रही है ना, सू की आवाज आती है जब गाड़ी निकलती है पास से 100-120 पे। वहां तो हमारा सच बताऊं ज्यादा टाइम का कुछ काम नहीं है, आधा घंटा एक घंटा लगेगा, एक घंटा रुकने के बाद फिर वापसी करेंगे। सो गाइस टाइम हो चुका है पूरे पूरे 12, तकरीबन हमें 5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। हमें क्या, मुझे गाड़ी मैंने चलाई है सारे रास्ते गाड़ी। अब नन्नू गया है बाहर, वैसे बता दूं अभी खड़े हैं जी ग्रेटर नोएडा में एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर, पार्किंग में लगा दी है गाड़ी। नन्नू गए अंदर, गई उसकी मीटिंग वगैरह है, मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैंने, मुझे भी बोल रहा था मैं भी जा सकता था अंदर, मैंने मना कर दिया, मैं कह ना यार मैं यहीं बैठ के वेट करूंगा, तू कोई नहीं हो या मीटिंग वूटिंग तो ऐसे बोरिंग काम होता है। सामने खड़ी है जी मेरे पोर्शे, ये देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सामने खड़ी है पोर्शे, बस इसको निहार रहे हैं बैठ के अभी तो। बाकी और तो कुछ कर नहीं सकते, वेट ही कर सकते हैं अब नन्नू का, नन्नू आएगा फिर इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, कुछ खाएंगे पिएंगे। ये खड़ी है जी पोर्शे 718 बॉक्सटर, बढ़िया गाड़ी है यार, छोटी सी है हाइट में तो मतलब करोड़ों की गाड़ी है, 2 सीटर। देखो इंटीरियर देखो, रेसिंग कार है भाई, पीछे से देखो एग्जॉस्ट देखो, पोर्शे। बढ़िया है भाई बढ़िया है, वो कहते हैं ना पैसा शोर मचाता है भाई, ये वो पैसा है जो शोर मचाता है सड़कों पे। देखो कितनी गाड़ियां इस साइड भी, इस साइड भी कम से कम नहीं तो 1000 के आसपास गाड़ियां होंगी लगी हुई पार्किंग में ना। अभी वैसे नन्नू से भी हुई थी बात के अंदर, 10-15 मिनट और लगेंगे फिर वो आएगा, फिर यहाँ से निकलते हैं। नन्नू सिंह बैक विद द बैंक, और देख छड़ दे, बर्फ तो पवाई नहीं नन्नू, गले कितने खराब करने हैं, गरम पे आई। तो जी 2 घंटे वेट करने के बाद नन्नू सिंह जी आ चुके हैं, नन्नू सिंह जी आ चुके हैं। क्या पी रहे हो नन्नू जी? गन्ने का रस। और ये खाने के लिए लेके आया नन्नू अंदर से, मेरे लिए रोल लेके आया, अपने लिए बर्गर। अभी ना थोड़ी सी आगे चल के खुली सी जगह पे रोक के कहीं फिर खाएंगे। इंडिया ने कितनी तरक्की कर लिया, बोल रहे हो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, पिछड़ता जा रहा है। अब ये छोड़ देखो सड़कों पे क्या चलने लग गया। ये है जी अपना इंडिया, उभरता इंडिया, ट्रेन के डब्बे सड़कों पे, वाह भाई वाह, ड्राइवर अलग से, देखो देखो इंजन है ये। सो गाइस यहाँ के सीन कुछ ऐसा है, दोनों को आ रही है नींद, गन्ने का रस पी के ना सुस्ती सी चढ़ गई, ऊपर से हमने खा भी लिया तो उससे और ज्यादा नींद आ रही है। दोनों मतलब चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बस गाने चलते जा रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, आंखें ना धीरे 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 बंद हो रही है। अब सबसे पहले इस हाईवे से उतर के पीनी है चाय, कड़क सी देसी सी, कहीं मतलब देसी से ढाबे पे रोक के ना भाई कहीं चाय पियेंगे अब पहले सबसे ना, और आधा घंटा टहलेंगे बाहर, ठीक है ना? ठीक है चल ठीक है। सो जी यहाँ रुके थे 70 माइल स्टोन। अच्छा ये कुल्लड़ तंदूर में से गरम करके इसमें चीनी और शक्कर डाल के, ये है प्रोसेस इसका। हाँ गरम कितनी है नन्नू? बड़े बड़ा स्वाद आता है, चाय दे वर्गी रोई
हमारे अमन भाई ने तो पहले टेस्ट की हुई है। मेरा तो फर्स्ट टाइम होगा वैसे यहाँ पे टेस्ट करने का, तो अच्छी है चाय। चलो करते हैं ट्राई आज। ये भाई यहाँ पे सारा कुछ देखते हैं। नाम बता दो भाई अपना। आशीष कुमार। क्यों, ढाबे का नाम क्या है? 70 माइलस्टोन ढाबे का नाम है ये। नेशनल हाईवे पे पड़ता है। आप दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली से आते हुए ना, फिर इस साइड ही पड़ता है, लेफ्ट साइड ही। चलो होगी रेडी। पढ़ नानू। मेरा तो फर्स्ट टाइम, मैं पहले नहीं करी ट्राई की थी। कोई ले लेता। हाँ कोई नहीं, बस फर्स्ट टाइम भाई ट्राई कर रहा हूँ तंदूरी चाय। बढ़िया है यार टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई। फर्स्ट टाइम ट्राई करी है बट मस्त है। हमने ना सुबह जाते हुए हवेली से चाय पी भाई, इतनी बेकार चाय थी ना वो, इतनी ज्यादा बेकार। ये बोल रहा था स्पेशल चाय पीनी है, स्पेशल लेके आया हूँ यहाँ पे। बढ़िया ना, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये तो खतरनाक है ब्रो, पता नहीं कहाँ ले। सो जी टाइम हो चुका है 5:30 तकरीबन 1.5 घंटा हम यहाँ पे बैठे, तंदूरी चाय पी और खाया सैंडविच। हाय 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 हाय, जो तंदूरी चाय थी ना भाई, तंदूरी चाय उसका टेस्ट अल्टीमेट, मस्ट रेकमेंडेड है। जब दिल्ली से वापस आओगे, मूर्थल क्रॉस करोगे, 70 माइल्स ढाबे का नाम है, ज़रूर आना, विजिट करना। मेरे लाइफ की एक और इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब की वो बात है, ठीक है नहीं उन्हों, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो खुशी की बात है, खुशी की बात बोल सकते हो, गर्व की बात है, नहीं गर्व नहीं, खुशी की बात है। मेरे को मेरी मतलब आज मेरी लाइफ की पहली एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ सेल्फी ली भाई, और उसको मैं बोलूँगा भाई मेरे को टैग जरूर करियो और मेरे को व्हाट्सएप जरूर करियो, मेरे को टैग जरूर करियो और मेरे को व्हाट्सएप जरूर करियो, फोटो मैं फ्रेम करवा के लगाऊंगा अपने घर में, ठीक है पक्का भाई। अगर वीडियो देख रहा है ना मेरे को भेजियो जरूर। बाकी अब निकल के आज दिल्ली के लिए, है ना अभी तो टाइम लगेगा भाई दिल्ली पहुंचने में। चलिए चलते हैं जी अब। बाकी जी अभी होटल पहुंच जाएंगे बस थोड़ी टाइम में, मैक्सिमम आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा हमें होटल पहुंचने के लिए। अंधेरा भी हो रहा है ऊपर से। इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। होप है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, तो पसंद आता लाइक शेयर कमेंट करें, बिना बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जो आने वाले वीडियोस और व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय। मैं तो कहते भाई।